एंड स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी विषय में आज जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं वो लेसन पद्य विभाग से लिया गया है। लेसन का नाम है सूरदास के पद। यह लेसन के कवि का नाम है सूरदास। उनका जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था, निधन सन 1573 ईस्वी में हुआ था। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांत होना भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय थे। अद्वितीय मीन्स कोई भी उनके बाद हुआ नहीं, यही सिद्ध थे प्रथम। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो वे और देव की आराधना कैसे कर सकता है। आराध्य देव का गुणगान सुनने या है। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बालकृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया। हम यह जो पद है उनका रीडिंग करते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंगा को छोड़ी पियास दूर मति कुप खनावे। जी ही मधुकर अंबुज रस चाय को क्यों करे फल भावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेद कौन दुहावे। तो यह जो पद है उनमें सूरदास जी कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मीन्स श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं मेरा मन सुख नहीं पाता है। सेकंड, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, मीन्स जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर फिर श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। जैसे समुद्र में कोई जहाज तैरता है तो वो जहाज से पंछी उड़ता है, आकाश में घूमता है, फिर उसको बैठने के लिए जहाज के ऊपर ही आराम होता है। वैसे ही मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर फिर श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। कमल नयन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे, मीन्स कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकता है। फोर्थ, परम गंगा को छोड़ी प्यास दूर मति कुप खनावे। तो इसमें कहते हैं कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उससे बड़ा मूर्ख कौन है, ऐसा कह रहे। और जीही मधुकर अंबुज रस चाय को क्यों करील फल भावे। मधुकर मीन्स बौरा और अंबुज रस, अंबुज मीन्स कमल, तो कमल का रस। इसमें कहते हैं कि जिसने मीन्स जिस बौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया है उसे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा। आगे क्लाइंट, सूरदास प्रभु काम देनु तजी छेड़ी कौन दुहावे। इसमें कहते हैं सूरदास जी कि मेरे प्रभु तो काम देनु के समान है। कैसे काम देनु, काम देनु मीन्स स्वर्ग की गाय जो सब इच्छाएं पूरी करती है। तो ऐसी जो काम देनु गाय है उनको छोड़कर मैं बकरी को क्यों दोहूं, मीन्स कौन दोहेगा। सेकंड नंबर का पद, शोभित कर नवनीत लिए गुट्टुरुणी चलन रेणु कर मंडित मुख दधि लेप किए चारु कपोल लोल लोचन गोरो चन तिलक दिए लट लट कानी मनु मत मधुप गल मादक मधुही पिए कठूला कंड वज्र केहरी नख राजत रुचि रही है दन्य सुर एक पल इन दुख का सतकल्प जिए।
तो इसमें कवि मीन्स सुरदास जी कहते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए, हाथ में नवनीत मीन्स यहाँ हमें मक्खन अर्थ समझना है, कौन सा मक्खन, तो हाथ में मक्खन लिए हुए श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। घटुनि चरण रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, वे घुटनों के बल पर चल रहे हैं और उनके शरीर पर मिट्टी धूल लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है और मुख के ऊपर मक्खन लगा हुआ है। थलय चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, तो उनके नेत्र जो है, उनकी जो गाल है वो सुंदर लग रहे हैं और नेत्र जो है वो चंचल है, उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। गोरोचन मीन्स क्या है कि मस्तक पर तिलक करने का पीला द्रव्य, ऐसा पीला चंदन जैसा एक पदार्थ आता है, तो उनका तिलक किया हुआ है। आगे लट लट कान ही मनुमत मधुप गण मादक मधु ही पिए, तो उसमें कहते हैं कि उनके सिर के दोनों ओर, उनके सिर के दोनों ओर लटे झूल रही है, वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भंवरों के समान लग रहे हैं। आगे कठुला कंठ वज्र के हरिनख राजत रुचि ही, तो गले में पहनी हुई चांदी की चौकिया बदनखा और बजर बट्टों की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। आगे धन्य सुर एक और पल इन्हीं सुख का सतकल्प किए, मीन्स जी कल्प जिए, तो सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो भी जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही यह जो पद है उसमें सूरदास जी अनन्य भक्ति भावना का परिचय देते हैं, उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता है। जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकती है, ऐसा पहले तुमने समझाया गया है। आराध्य देव का गुणगान सुनने किया है, दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया गया है। स्टूडेंट्स यह लेसन के शब्दार्थ देखते हैं, अनंत तो दूसरे स्थान पर या फिर अन्यत्र, पंछी तो पक्षी या फिर विह, महान महातम तो महानता या फिर महात्म्य, द्यावय तो ध्यान करें, छाणी तो छोड़कर, पियास तो प्यासा, दूरमति तो खराब बुद्धि वाला, करीला तो कंटीली जारी, छेरी तो बकरी, चारु तो सुंदर, लोचन तो आंख, मादक तो नशायु। आगे स्वाध्याय दिया गया है, तो स्वाध्याय के प्रश्न समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला क्वेश्चन, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है, तो हमने पहले समझा था ना कि जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। ओके, दोबारा रिपीट करते हैं, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। सेकंड, सूरदास के मधुकर को करी फल क्यों नहीं भाता, जो सूरदास है उनके मधुकर को करी रस करी फल क्यों नहीं भाता, तो क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है, क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस जो मीठा है वो चख लिया है। थर्ड, बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप हुआ है, बाल कृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप हुआ है। फोर, सूर धन्य क्यों हुए, सूरदास धन्य क्यों हुए, तो उन्हें श्री कृष्ण दुर्लभ जो छवि है उनके दर्शन हो गए इसलिए वो धन्य। क्वेश्चन नंबर टू, जो पेज नंबर 30 पे दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। सूर्य ने की उदाहरण द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है,
सूर्य कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूँ, श्री कृष्ण के अलावा किसी देवता का ध्यान भी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसे गंगा जल को पीने के बाद मुझे कुएं का जल नहीं पीना है, मैंने कमल का रस चख लिया है, वह बहुत मीठा है, मुझे अब कटु रस मिस करेले का रस चखना नहीं है। मेरे प्रभु तो काम धेनु के समान है, उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दूहने क्यों जाऊं, ऐसा कह रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड, बालक कृष्ण के स्वर का वर्णन कीजिए। तो उसका आंसर, बालक श्री कृष्ण बहुत सुंदर है, वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल पर चल रहे हैं, उनके मुंह पर मक्खन लगा हुआ है, उनके गाल सुंदर है और नयन जो है, आंखें जो है वो चंचल है, और उनके माथे, उनके कपाल पे गोरोचन का तिलक किया हुआ है, उनकी लटे सुंदर लग रही है। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि बहुत सुंदर लग रही है। थर्ड, सूरदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं? तो सूरदास ने श्री कृष्ण की छवि का दर्शन कर लिया है, वह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है और वह कृष्ण के अलावा किसी का ध्यान नहीं करते हैं। श्री कृष्ण की छवि उनकी आंखों के सामने ही रहती है, उन्हें अपने प्रभु की इस मूर्ति के दर्शन हो गए हैं, इसलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। क्वेश्चन थ्री, वो आपको नहीं लिखना है, और फोर, समानार्थी शब्द लिखें, उसमें जो वर्ष दिए हैं उनके समानार्थी शब्द आपको ढूंढना है, जो कई वर्ष शब्दार्थ में भी दिए गए हैं और कई वर्ष आपको आते भी हैं, तो